डिप्रेशन और नींद की गोलियों से बचना चाहते हैं तो एक बार ये जरूर आजमाएं। जब बात सेहत की आती है तो हम या तो डॉक्टर्स के बारे में सोचते हैं या फिर महंगी दवाइयां खाकर समझते हैं कि हम अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। अगरचे बीमारी में इलाज करवाना लाजमी होता है, लेकिन अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कुदरती चीजों को अपनी खुराक का हिस्सा बना लिया जाए तो यह आदत भी हमें बहुत सी बीमारियों से बचा लेती है। ऐसी एक चीज कद्दू के बीज भी है। सस्ते और मामूली कद्दू के बीज में सेहत का खजाना छुपा है। आज हम आपको कद्दू के बीज की गिजाई अहमियत और इसके फायदों के बारे में बताएंगे। कद्दू के बीज की गिजाई अहमियत। कद्दू के बीज में गुड फैट मौजूद होता है। इसके अलावा गुड कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटाशियम, डायट्री फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी ए, मैग्नीशियम, विटामिन B2 और कोबालामिन पाया जाता है। जहनी तनाव और नींद की कमी। जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत होती है उन्हें कद्दू के बीज से बहुत फायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि कद्दू के बीज में कुदरती तौर पर मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सेलेनियम की बहुतात होती है जो नींद की कमी को दूर करते हैं और पुरसकून नींद लाने में मदद करने के साथ आसाब को भी सुकून बख्शते हैं, जिससे तनाव कम होने लगता है। वजन में कमी। कद्दू के बीज में गुड फैट और गुड कार्ब्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से इन्हें खाकर भूख में कमी वाकई होती है और वजन कम होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर गुड फैट यानी हल हो जाने वाली चिकनाई मौजूद होती है, इसलिए जिसम में जमती नहीं है। कैंसर से बचाव। WebMD के मुताबिक जदीद तहकीक ने इस बात को तस्लीम किया कि कद्दू के बीज में मौजूद फैटी एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन और मादनियात कैंसर से बचाव में मददगार होते हैं। डायबिटीज कंट्रोल। मैग्नीशियम ऐसा जूस है जो हर खाने में नहीं पाया जाता, मगर कद्दू के बीच में या वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। इसको खुराक का हिस्सा बनाने से डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है और जिन अफराद को पहले से शुगर हो उन्हें भी इसे कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज। कद्दू के बीज में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद होती है, जिससे खुद ब खुद दिल के दौरे का खतरा कम होने लगता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की मौजूदगी दौरान खून को बेहतर बनाती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।